इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहाँ पर सर्च करना है मेरा नाम अभिनव सिंह। इसके बाद आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रेवल एजेंसी एग्ज़ाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी पीसीएल एग्ज़ाम, वो प्रीवियस ईयर के पेपर, यूपी ट्रेवल एजेंसी एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, मैथ, जीके, करंट अफेयर व अन्य सभी इम्पोर्टेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे यूपी ट्रेवल एजेंसी एग्ज़ाम व अन्य सभी एग्ज़ाम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात कर लेंगे रीजनिंग यानी कि आपका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है BA, ठीक है, और इसका जो आंसर है इसको यहाँ पर मैं मैच कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे रीजनिंग का, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं इसमें उसके बारे में बात करेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका आंसर आप लोग अपने बुकलेट से मैच कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24। यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर बताऊँगा और आपको अपने पेपर से इसको मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, तो आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, आपके सामने चार आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 73 इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर, नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो चार आंसर आपके लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है सी और ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है फाइव, यहाँ पर क्या है कि आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी रिक्त स्थान की जगह पर, तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ELFC इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स कि यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाला वावल क्या रहेगा, तो चार आंसर आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए यहाँ पर आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है और सेवन नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्स इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है एट और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एट का वो यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीन इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है नाइन और इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर आपका है टेन और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है एलेवन और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा राइट आंसर। तो हर क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पर मैच कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है ट्वेल्व और इस तरह से लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्टीन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्टीन और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिट आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्टीन और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भतीजी या भांजी। क्वेश्चन क्या है कि दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, सैम और अर्णव भाई हैं, सैम सतीश का भाई है तो अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार से संबंधित है, आंसर नंबर बी आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है सोलह और ये भी आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भतीजी और भांजी आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है सेवनटीन और इसको आपको अच्छे से हमें पढ़ना है, समझना है और फिर आपको इसका आंसर यहाँ पर देना है और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो डी पोती और नातिन ये आपका यहाँ पर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेटर, ठीक है, सेमी कॉलम टिप। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका है राइट आंसर यानी कि 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे फिर इसका आंसर यहाँ पर आप देंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका है 21, इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है 8.33। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए 85:83 आपका है राइट आंसर। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 23, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन का, यह आपका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा राइट आंसर। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, और 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है सी इसका है राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, 29 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इसका है राइट आंसर। तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छे से देख लेंगे, और उसके बाद में आप इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, और इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, और क्वेश्चन नंबर आपका है 32, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है बी इसका है राइट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है ए इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 35, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 38, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 38 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 40 है, और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका है इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेंगे इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स के बारे में। 41 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 42, और इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है यानी कि 3 इसका है राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 43, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी इसका रहेगा राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका है 45, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है ए इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कैट। 48 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है यानी कि 138। 49 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे, यानी कि ये आपके 50 क्वेश्चन हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है इनके आंसर, और इनके आंसर को आप मैच कर सकते हैं अपने बुकलेट से, ठीक है। तो ये आपका जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके ये सभी आंसर की हैं रीजनिंग के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।